बम होने की झूठी सूचना देकर सनसनी फैलाने वाले आरोपी कुर्बान अली को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बेकरी की दुकान पर काम करता है। पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर गोरखनाथ मंदिर में बम होने की झूठी सूचना देकर इसने सनसनी फैला दी थी। सूचना के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों ने इस सूचना को गंभीरता से लेकर इसकी जांच की। सूचना झूठी निकली, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से परेशान है। व्यक्ति द्वारा 112 नंबर पर फोन करके सूचना दी गई थी कि गोरखनाथ मंदिर में कुछ लोग केक के बहाने बम लेकर अंदर प्रवेश किए हुए हैं। इस संबंध में जैसे सूचना प्राप्त हुई उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया और उपरोक्त व्यक्ति को सर्च किया गया। उपरोक्त व्यक्ति जब मिला तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में कई चीजें सामने आई। इस संबंध में थाना कैंट पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। थैंक यू। गोरखपुर सहित मंडल के 4 जिलों के ऐसे लोग जो फरवरी 2009 के बाद लाखों का पक्का मकान जिन्होंने बनाया था, अब श्रम विभाग को टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सेल्स टैक्स के रूप में ये टैक्स श्रम विभाग लेगा, जो कि आपके मकान निर्माण की कुल लागत का 1% होगा। यानी कि अगर 30 लाख का मकान है तो 30,000 सेल्स टैक्स आपको देना होगा। राज्य सरकार ने इस टैक्स को वसूलने के लिए गोरखपुर मंडल को 25 करोड़ का टारगेट दिया है। पूरे प्रदेश में यह टारगेट 20 अरब का है, जिसके बाद श्रम विभाग के अधिकारी सरकारी विभागों से लैस निजी तौर पर बनने वाली बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, मॉल और मकान सभी को नोटिस जारी करना शुरू कर चुके हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस टैक्स के पैसे से सरकार अपनी नई योजना अटल आवासीय विद्यालयों का विशेष संचालन करेगी। हरिद्वार में गुलदार दिखने से दहशत का माहौल है। सीसीटीवी में कैद हुई है।